हेलो दोस्तों, बसर मैच लेवनी के नाम आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HDFC का डीमैट अकाउंट में फास्ट ट्रेड कैसे कंप्लीट करें। पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि HDFC का डीमैट अकाउंट में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट हो गया। आप तो अभी सारे फ्रेंड क्रिएट कर चुके होंगे, तो अभी कैसे अकाउंट को एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए आपको बस 100 रुपीज के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। तो कैसे ट्रेड करना है इस वीडियो में बात करेंगे। ट्रेड करने बाद कैसे आप HDFC का डीमैट अकाउंट को रेफर करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले ट्रेड कैसे करना है HDFC का डीमैट अकाउंट में, वीडियो कंप्लीट देखिए। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस में बताने वाले A to Z कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, फास्ट ट्रेड कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से क्लिक करिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप देखो उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारे ऑफर जानकारी नया अपडेट जानकारी हम पहले में आपको देते हैं। अभी तक अगर आप HDFC का डीमैट अकाउंट में अकाउंट क्रिएट नहीं किए, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लिंक, आप उस लिंक को क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में भी हम पूरा एक प्रोसेस के बारे में पूरा फुल वीडियो बना के रखें। उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वो वीडियो को देख लीजिए और आप डीमैट अकाउंट में एक HDFC का डीमैट अकाउंट में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो जिसका अकाउंट क्रिएट हो चुका है वो अभी फास्ट ट्रेड कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आपको बताया फास्ट ट्रेड कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर 8 फंड करना पड़ेगा। तो हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे 8 फंड से। तो पहले 8 फंड करेंगे, फिर ट्रेड करके आपको बताएंगे। और जितने भी 8 फंड करेंगे ना, उसको इंस्टेंटली हम बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कराएंगे, जिसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। पूरा प्रोसेस के बारे में आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं HDFC का डीमैट अकाउंट को। जब भी ओपन करेंगे कुछ होम पेज आपको इस तरह दिखाई देगा, ये पूरा होम पेज है। तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग में जाकर आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट एक्टिव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसका होम पेज कुछ इस तरह दिखने के लिए दिखाई देगा। तो अभी हम इसमें 8 फंड करेंगे, क्योंकि अभी 8 फंड करेंगे फिर जाकर हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो 8 फंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे ऊपर प्रोफाइल का सेक्शन है, तो आपको प्रोफाइल सेक्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो प्रोफाइल सेक्शन में क्लिक करेंगे तो 8 फंड पे क्लिक करके आप कुछ रुपीज 8 मनी कर लीजिए। मैं 100 रुपीज या 120 यहाँ पर 8 फंड कर लेता हूँ। जितने में आप 8 फंड करना चाहते हैं उतना अमाउंट चूज करके 8 फंड पे क्लिक करिए। और आप यहाँ पे UPI से या नेट बैंकिंग से कैसे आप 8 फंड करना चाहते हैं उसको प्रोसेस को आप सिलेक्ट करके प्रोसेस पे क्लिक करिए। यहाँ पे अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू या आप UPI के थ्रू चूज किए तो UPI नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। UPI नंबर एंटर करने बाद आप यहाँ पर जाके UPI से पेमेंट करके 8 फंड कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 8 फंड कर चुका हूँ और मेरा फोन पे 8 हो चुके हैं। अभी जिसका फंड 8 हो गया, अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे आपको ये दिमाग में रखना है, आपको 100 रुपीज का ट्रेड करना है। चाहे आप 30-30 रुपीज का 3-4 बार कर सकते हैं या एक बार भी 100 रुपीज का ट्रेड कर ले कोई बात नहीं, मगर आपको 100 रुपीज का ट्रेड ही करना है। तो चलिए फिर से हम डीमैट अकाउंट को ओपन करते हैं, HDFC का डीमैट अकाउंट को। जब भी ओपन करेंगे कुछ इस तरह इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आप देखिए प्रोफाइल सेक्शन यहाँ पर 8 फंड हो चुका है, 8 फंड भी दिख रहा है। अभी हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने के लिए आप सबसे वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, तो आप वॉच लिस्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप कुछ वॉच लिस्ट पे जाके कुछ ऐड करना पड़ेगा। वॉच लिस्ट में ऐड क्या करें, ऐड वॉच लिस्ट पे जाके आपको एक वॉच लिस्ट ONGC आप साइड में देख सकते हैं, उसको क्लिक करना है। जब भी उसको क्लिक करना है, ये 185.95 का ट्रेड है, हम इसको ही ट्रेड करेंगे। तो इस बाय नाउ पे क्लिक करने, टेंशन मत लीजिए, आप 50 रुपीज डाले तो हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक करने, आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर रिव्यू बाय ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। जब भी आप रिव्यू बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आपके सामने दिखाई देगा ये जो एक है 37.37 रुपया 19 पैसे का एक ट्रेड है। तो बस हमारे पास 100 से ऊपर है तो 37.19 रुपया हमारे पास है, तो प्लेस बाय ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। मगर आप यह ध्यान रखना, आपको 100 रुपीज का ट्रेड करना था ना, अगर 37 वाला ट्रेड ले रहे हैं तो आपको तीन ट्रेड कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आपका जो ट्रेड एक ट्रेड कंफर्म हो गए, अभी हम 3 ट्रेड करेंगे तो ये 100 रुपीज का ट्रेड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले जो ट्रेड लिए ना उसको सेल कर लेंगे। जब भी उसको सेल कर लेंगे फिर हम उसी में उसी अमाउंट में भी और 2 ट्रेड परचेस करके सेल कर देंगे। और अभी जो भी सेल करने बाद अभी 3 ट्रेड हो गया, यानी 100 रुपीज का ट्रेड हो जाएगा। अभी हम जो हमारा अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा और जो भी हम ऐड फंड किए थे उसको भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो चलिए फिर से क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने बाद अब आप यहाँ पर ट्रेड कर चुके हैं तो आप पोर्टफोलियो पे जाइए और यहाँ पे आपको एक दिख रहा है उस पर क्लिक करिए और ये सिक्योर ऑफ का ऑप्शन है, सिक्योर ऑफ पे क्लिक करिए। सिक्योर ऑफ पे जब भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, तो आप प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करके आपका जो ऑर्डर है वो सेल कर सकते हैं। अभी इंस्टेंटली सेल भी हो जाएगा, जितने भी अमाउंट आप सेल किए वो आपका 8 फंड में ऐड हो जाएगा। तो आपको देखिए मैं आपको एक ट्रेड लेके बता दिया कि एक ट्रेड कैसे करना है। तो आपको आपको सेम आपको जो भी मैं बताया आपको सेम टू सेम
तीन ट्रेड कंप्लीट करने हैं। आपको जाने वॉच लिस्ट पे, ऐड वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है और आपको ONGC पे आपको ट्रेड लेना है और परचेस करना है, सेल करना है। ऐसे आपको तीन सेल कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 100 रुपीज का ट्रेड हो जाएगा। अब ये 100 रुपीज का ट्रेड होने के बाद आपका भी अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए मैं आपके साइट में आपसे बात करते करते ही तीन ट्रेड कंप्लीट कर चुका हूँ, यानी मेरा 100 रुपीज वाला जो ट्रेड है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ तक आप पूरा सारे वीडियो में समझ चुके होंगे कि HDFC स्काई डीमैट अकाउंट में कैसे ऐड फंड करना था हमको, हम ऐड फंड कर लिए और कैसे ट्रेड करना था ट्रेड भी कर लिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको और आसान से जानकारी दे दूंगा। मोरी आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया कि आपको ट्रेड फास्ट ट्रेड कैसे करने और 100 रुपीज का ट्रेड कैसे करने। तो यहाँ तक आप समझ ले। अभी बात आते हैं जो ऐड फंड किए थे उसका हम बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो मैं बताया था आपको उसके भी प्रोसेस में आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो ऐड फंड किए थे उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं इंस्टेंटली। तो क्या करेंगे, तो चलिए हम उसके भी प्रोसेस आपको बताते हैं। तो फिर से HDFC स्काई डीमैट अकाउंट को ओपन करना है। जब भी HDFC स्काई डीमैट अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको प्रोफाइल सेक्शन जाएंगे, आपको जितना भी बैलेंस है वो INR बैलेंस पे दिखाई देगा, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जब भी उसके ऊपर क्लिक करेंगे सबसे नीचे विड्रॉल ऐड फंड का दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो आपको विड्रॉल करना है तो विड्रॉल पे क्लिक करिए। जब भी विड्रॉल पे क्लिक करेंगे जितने भी अमाउंट आपका है बैलेंस वो अमाउंट आपका दिखाई देगा, तो वो बैलेंस आपका वो अमाउंट पे क्लिक करके कन्फर्म विड्रॉल पे आपको क्लिक करना है। जब भी आप वो अमाउंट डाल के कन्फर्म विड्रॉल पे क्लिक कर लेंगे जो भी अमाउंट होगा आपका वो इंस्टेंटली विड्रॉल हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अभी हुआ ना आसान, जो भी आप ऐड फंड किए थे अभी ऐड फंड भी किए और जितने भी ऐड फंड किए थे उसको आप अपना बैंक अकाउंट में फिर से विड्रॉल भी कर लिए और आप उसके बीच भी आपका 100 रुपीज का ट्रेड भी कम्प्लीट हो गया। तो बहुत ही आसान था ट्रेड करना और HDFC स्काई डीमैट अकाउंट में बहुत ही आसान है ट्रेड करना। अभी अभी आपका अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा क्योंकि 100 रुपीज ट्रेड जब कर लेंगे तो आपका अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप रेफर कर सकते हैं और पर रेफर 400 रुपीज अर्निंग कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कि HDFC स्काई डीमैट अकाउंट में कैसे आप फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट करेंगे, कैसे ऐड फंड करेंगे, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप अकाउंट क्रिएट किए नहीं मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उस प्रोसेस को उस वीडियो में है, आप जाकर उस वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पहले अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, अकाउंट क्रिएट करने का 1-2 दिन बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। आप कैसे पासवर्ड सेट करने, कैसे अकाउंट एक्टिव का मेल आएगा वो हम बात कर चुके हैं। फिर आपको बस जो ट्रिक मैं आपको बताया 100 रुपीज से ट्रेड करने के लिए, बस आप 100 रुपीज ट्रेड कंप्लीट करके आपका अकाउंट एक्टिव कर लीजिए। जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो आप अपना रेफर कर सकते हैं, अनलिमिटेड रेफर करके पर रेफर 400 रुपीज अर्निंग कर सकते हैं। तो था कंप्लीट वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से क्लिक करिए।